तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं। इनफैक्ट मैं वरुण के साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेल रहा हूं। और इस हफ्ते में जिस तरह का उतार चढ़ाव वरुण हमें देखने को मिला है, आज किस तरह की रणनीति है, ग्लोबल संकेत क्या कर रहे हैं, ये आप व्यूअर्स को समझाएं सबसे पहले। देखिए, सही बताएं तो कुशल, ग्लोबल संकेत देख के इंडिया के बारे में थोड़ा आकलन लगाना मुश्किल है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि यूएस के मार्केट्स धराशायी हुए थे, लेकिन हमारे मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे 17,000 के आसपास, और वहां से हमने देखा कि थोड़ा बहुत रिबाउंस आ रहा था। ओवरसोल्ड मार्केट थे तो जाहिर सी बात है रिबाउंस आना था, लेकिन आज सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी जो दर्शा रहा है 150 अंकों के आसपास की गिरावट है, ये थोड़ी चिंताजनक है। 16,900 जिसको हम लगातार रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहे थे, उसको तोड़ के उसके नीचे जो है सिंगापुर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और इसका कारण है यूएस के मार्केट्स। वहाँ अगर आप देखेंगे, हालांकि उतना खराब ट्रेडिंग सेशन नहीं था, लेकिन फिर भी डाउ जोन्स में देखिए करीब 125 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ कल कारोबार हो रहा था। मिला जुला एक्शन यूएस के मार्केट्स में देखने मिला, 700 पॉइंट के रेंज में जो है वो डाउ कल कारोबार करते हुए दिखाई दिया। अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी बहुत गिरावट जो है वहाँ देखी गई। इंट्राडे में 29,000 के आसपास का जो साथ है वो भी डाउ जोन्स ने कहीं ना कहीं कल तोड़ा है, और 50 वीक लो के आसपास डाउ जोन्स जो है वो जा चुके थे कल। तो गिरावट तो यूएस के मार्केट्स में है, उसमें कोई शक नहीं हो। लगातार 6 दिन हो चुके हैं जहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है वो भी 4% के आसपास पहुँच चुकी है। तो काफ़ी कुछ है जो कि यूएस के मार्केट्स में हो रहा है, और उसका असर हम इंडियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं। लेकिन कुशल, दो चीज़ें, एक तो एक्सपायरी है कल, उसके पहले मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। वो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, कल आएगी पता नहीं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आएगी इतना पक्का है। और जिसका इनिशियली हमने कल देखा भी, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे। एक चिंता की बात है, FIIs लगातार बेच रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं, और ये अगर नहीं रुके तो थोड़ी दिक्कत की बात है, और शायद ये जो है मार्केट को ऊपर आने नहीं दे रहा है। देखते हैं, DIIs का भी काफी बड़ा सपोर्ट आता हुआ दिखा है कल के सत्र में। FIIs ने बेचा है तो DIIs ने खरीदा भी है, राइट। बट तो सबसे पहले कैश सेगमेंट में आप बताएं आपने कौन सा स्टॉक चुना है। अच्छा, एक ऐसा स्टॉक जहाँ पे FIIs ने खरीदारी की है, और वो रामकृष्ण फोर्जिंग। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, 195 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलना है, 182 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। कल बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने यहाँ पे 178 के भाव पे करीब 21 लाख शेयर जो है इस काउंटर के खरीदे हैं। देखिए, वैसे तो FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन कुछ फंड्स हैं जो कि कुछ अच्छे स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, उसमें से एक रामकृष्ण फोर्जिंग है जहाँ पे खरीदारी की गई है। इसके चलते आज एक्शन हो सकता है, खरीदारी करके चलेगा इस स्टॉक में। कुशल, आपका कैश का काउंटर? कोइंसिडेंस है वरुण, इनफैक्ट यहाँ पर DSP म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में इन्होंने भी खरीदारी की है, और सफारी इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर नजर रखनी है। दरअसल इनफैक्ट खरीदारी की है, ऑब्वियसली एक फंड ने बेचा है तो दूसरे फंड ने खरीदा है, बट DSP म्यूचुअल फंड ये नाम अब निकल कर आ रहा है, और 2 लाख शेयरों की यहाँ पर खरीदारी हुई है 1529.75 रुपए के भाव पे, और मौजूदा भाव से अब सिग्निफिकेंट अपसाइड भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो बाजारों में जिस तरह का उतार चढ़ता उसके बावजूद भी 3.5% की तेजी इस काउंटर में आती हुई नजर आई थी। तो हो सकता है कि इसी खबर के बेसिस पर ये तेजी आई हो, और आज जब ये एक्सचेंजेस पर इन्होंने ये बताया है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहां पर और अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। तो सवारी इंडस्ट्रीज खरीद कर चलिए, 1645 रुपए के टारगेट के लिए 1580 लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, ये तो हो गई कैश सेगमेंट की बात, अब आगे बढ़ते हैं और अब फ्यूचर्स कैटेगरी पर नजर डाल देते हैं, और यहां पर मैंने स्टॉक चुना है टॉरेंट फार्मा का, जहां पर खरीदारी करनी है। हेडलाइंस में भी हम आपको बता रहे थे कि इन्होंने किस तरह से क्यूरेशियो हेल्थ केयर को खरीदा है 2,000 करोड़ रुपए में। डेफिनेटली इनका जो एग्जिस्टिंग डर्मेटोलॉजी वाला पोर्टफोलियो है वो और बड़ा होता जाएगा, और आगे के लिए इनके ये जो अधिग्रहण हुआ है इस पर बड़ा फोकस बन सकता है। तो डेफिनेटली इस खबर के आधार पर इसका 27 अक्टूबर का इस एक्सपायरी का नहीं 27 अक्टूबर आपको खरीदारी कर चलनी है फ्यूचर्स कैटेगरी में। 1590 रुपए के टारगेट के लिए आज यहां पर खरीदारी करनी है, 1530 रुपए लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस बनाना है। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर्स में एक बिकवाली का कॉल है, और वो है कैनफिन होम्स। यहां पे आपको बिकवाली करना है फ्यूचर्स में, 450 के लक्ष्य के लिए 468 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कल ही बैन से बाहर आया, और मुझे लगा था कि बैन से बाहर आने के बाद शायद स्टॉक में तेजी आएगी, लेकिन नहीं, कल भी स्टॉक में गिरावट हुई है। और मुझे लगता है कि NBFC काउंटर जो है, जब तक पॉलिसी नहीं आती तब तक NBFC काउंटर्स में बिकवाली का रुझान जो है वो जारी रह सकता है। कल भी मैंने कुछ NBFC काउंटर्स अपने टीम में शामिल किए थे, आज कैनफिन होम्स को शामिल कर रहा हूँ। यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा, दबाव देखने मिल सकता है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शन में IT काउंटर। लगातार आप देखेंगे मार्केट की गिरावट में IT काउंटर्स कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी नैसडैक हरे निशान में बंद हुआ, तो मुझे लगता है आज फिर से आपको IT काउंटर्स में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिलेगी। रोज आधा आधा 1-1% के साथ इन्फोसिस जो है वो तेज़ी दिखा रहा है, आज भी शायद तेज़ी हो सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है, 1400 का कॉल ऑप्शन आपको लेना है, 22 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 15 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। ये इसी सी का है, क्योंकि इसके लिए मैं अभी भी दे रहा हूँ। जब
कल के ट्रेडिंग सेशन में हम तब अक्टूबर की सीरीज के देंगे ऑप्शन, आज सितंबर की सीरीज के ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से ऑप्शन का कॉल इन्फोसिस में है। कुशल आप बताइए। देखिए आई से इन्फोसिस में आपने खरीदारी दी है, मेरी तरफ से आई से ही आईओसी यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। दरअसल यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, सिटी ने इंडियन ऑयल पर डाउनग्रेड कर दिया है, अब खरीदारी की राय से सीधा इन्होंने सेल की रेटिंग दे दी है और टारगेट्स भी कट किए, 100 रुपये से घटाकर सीधा 60 रुपये किए हैं। मौजूदा भाव आप देखिए 67 है, तो उस प्राइस से भी ऑलमोस्ट 10 से 12% तक की गिरावट ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसी वजह से 27 अक्टूबर का जो पुट ऑप्शन है 2 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है, खरीद कर चलिए 4 रुपये के टारगेट के लिए, 1 रुपये नीचे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे एक और बिकवाली का काउंटर पसंद आ रहा है और वो है सीमेंस का। यहां पर आप देखिए 1 डे चार्ट पर या 5 डे चार्ट पर लगातार गिरावट का रुझान बना हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरह की तेजी कैपिटल गुड स्पेस में आपको अभी तक बनती हुई नजर आई थी वो अब वापस से बाजारों की गिरावट में ये पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं सीमेंस पर आती हुई नजर आ रही है। तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, इस वजह से यहां पर बिकवाली करने की राय है। 2654 रुपए के टारगेट के लिए बेचकर चले, 2764 रुपए इनफैक्ट 65 रुपए आपको यहां पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। डेफिनेटली तो सीमेंस में आप खरीदारी करना है। और कुशल जिस तरह से आपने आईओसी के बारे में बताया कि सिटी ने डाउनग्रेड किया इसको, पिछले कुछ दिनों में सिटी लगातार इंडियन स्टॉक्स को डाउनग्रेड करते जा रहे हैं, पता नहीं इनको क्या पसंद नहीं आ रहा है इंडियन स्टॉक्स में। लेकिन आईटी काउंटर्स को इन्होंने डाउनग्रेड किया था, मेरे ख्याल से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इन्होंने डाउनग्रेड किया था, तो कुछ तो दुश्मनी है। पता नहीं क्या है, ये तो सिटी बताएगा, लेकिन हाँ लगातार डाउनग्रेड्स आ रहे हैं सिटी की तरफ से, यहाँ पे नजर रखेगा। चलिए मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है JSW स्टील। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 655 पहले मैं आपको टेक्निकल पिक बता देता हूँ। टेक्निकल पिक है मेरा KPIT टेक, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 670 के लक्ष्य के लिए, 645 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि मैंने आपको इन्फोसिस में बताया कि आईटी स्टॉक्स में आज तेजी हो सकती है, तो मिड कैप आईटी स्टॉक जो है वहाँ पे भी आपको फोकस करना है। और लगातार KPIT टेक जो है काफ़ी सारे फंडा एनालिस्ट के रडार पे भी आ रहा है, मेरे ख्याल से इसके चलते भी आपको खरीदारी करना है। 670 का लक्ष्य देखने मिलेगा, 645 के आसपास के आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए टेक्निकल तो मैंने आपको बता दिया, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी फंडा पिक की तरफ और वरुण से जानते हैं कि उन्होंने कौन सी इंटरेस्टिंग पिक चुनी है। डेफिनेटली कुशल तो एक स्पॉइलर तो मैं आपको दे ही चुका हूँ, ब्रेक के पहले तो बता ही देता हूँ स्टॉक JSW स्टील है, वो तो आपको पता ही है। और यहाँ पे टारगेट देखे 655 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है, 630 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेगा। मुझे लगता है आज मेटल काउंटर जो है उनमें आपको थोड़ी बहुत खरीदारी देखने मिल सकती है, इसके लिए बेसिकली JSW स्टील जो है इस स्टॉक को मैंने चुना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करके आपको चलना है। कुशल आपका फंडा पिक। चलिए फंडा पिक के लिए आज से PVR है, जिस तरह से यहाँ पर इस स्टॉक में गिरावट हुई है मुझे लग रहा है कि आप खरीदारी के लेवल्स इस पर अच्छे बनते हुए दिख सकते हैं। 1650 के आसपास की प्राइसिंग है, इनफैक्ट यहाँ पर अगले 3 महीनों के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है। 1900 रुपये के लक्ष्य, 10 से 15% के गेंस में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि फेस्टिव सीजन तो एनी विच वेज है ही, फुटफॉल भी इंक्रीज होगा। बट इस बारी जो भी नए बॉलीवुड मूवीज रिलीज हो रही है उसमें प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन्होंने अफोर्डेबल रखी है, जिस वजह से फुटफॉल बढ़ सकते हैं और आगे चलकर इनका जो F&B सेगमेंट है वहां पर अच्छी मार्जिन हमें आगे चलकर देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे मुझे लग रहा है कि यहां पर PVR पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, अगले 3 महीनों में 1900 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए फंडा पिक तो हो गई है, बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक, और निवेश के लिहाज से मुझे एशियन पेंट्स काफी पसंद आ रहा है। फेस्टिव डिमांड अब डेफिनेटली बढ़ने वाली है, मॉनसून ऑलमोस्ट पूरे के पूरे ओवर हो चुके हैं और अब कहीं ना कहीं यहां पर इनकी जो पीक सीजन सेल्स हैं वो आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेंगी इनके नंबर्स पर, और आगे चलकर मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीनों में आप एशियन पेंट्स पर डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं। कच्चा तेल भी ऑलमोस्ट $85 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो एशियन पेंट्स अगले 6 महीनों में 4000 रुपए के टारगेट्स आ सकते हैं। चलिए मेरा जो निवेश का काउंटर है वो भी एक कंजम्पशन स्पेस पे ही स्टॉक है और वो है देवयानी इंटरनेशनल। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है, अगले 4 महीनों में 225 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स बेहतर है, वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं, हाल ही की ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में गिरावट आ चुकी है, उसके पहले अगर आप देखते तो स्टॉक में 1 वे रैली देखने मिल रही थी। मुझे लगता है कि इन लेवल से भी अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा 225 के लक्ष्य के लिए। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है न्यूज़ के दम पर, यानी कि खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मदर्सन सुमी वायरिंग यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना है। 89 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 82 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल खबर यह है कि 30 सितंबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस शेयर जारी करने पे कंपनी विचार करने वाली है, उसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा। कुशल खबरों के दम पे क्या पसंद है? BHEL काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर NTPC से इनको 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो डेफिनेटली ये तालचर में पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 के लिए EPC मोड में ये जो है पावर प्रोजेक्ट बनाते हुए नजर आएंगे और इसी वजह से ये फोकस में रहेगा। 57 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है।
₹55 ये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। हमारी आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की और मेरे तरफ से तीनों के तीनों बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बिकवाली करना है। मार्केट में अगर गिरावट आती है तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, इसके लिए बिकवाली कीजिएगा 1810 के लेवल के लिए। 1890 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला है गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आप बिकवाली कीजिएगा RBI की पॉलिसी के पहले। रियल एस्टेट काउंटर्स या फिर रेट सेंसिटिव काउंटर्स जो है वहाँ पे दबाव देखने मिल सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1120 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिएगा, 1170 का स्टॉप लॉस रखना है, वैसे भी टेक्निकली वीक है। और आखिरी स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है 2110 के लेवल के लिए। 2195 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, यहाँ भी टेक्निकली वीक काउंटर है, मार्केट की गिरावट के साथ गिरावट हो सकती है, इसके लिए बिकवाली कीजिएगा। चलिए, बिकवाली का प्रेशर एसजीएक्स निफ्टी पर भी नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 180 अंकों की गिरावट अब एसजीएक्स निफ्टी दिखाते हुए दिख रहे हैं, तो अब गिरावट बढ़ रही है। माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से है दो खरीदारी और एक बिकवाली के कॉल्स। सबसे पहला खरीदारी का कॉल है ब्लू डार्ट पर, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। ई कॉमर्स सेल्स ऑब्वियसली ये बेहतर साइट पर है आगे चलकर, और इससे पॉजिटिव स्पेस में है लॉजिस्टिक्स सेक्टर। तो ₹8,718 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, ₹8,370 आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। दूसरा कॉल है बिकवाली का एसजीएक्स बैंक अक्टूबर सीरीज में, आपको बिकवाली करनी है। चार्ट सेटअप यहां पर वीकनेस शो कर रहा है, ₹1,381 ये आपके लिए आज का टारगेट बनना चाहिए, ₹1,440 हायर साइड पर स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी कॉल है सफायर फूड्स पर, यहां पर QSR स्पेस लगातार बजिंग है और इस वजह से यहां पर आपको खरीदारी करनी है। वैसे भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा अभी तक नहीं चला है इस सेक्टर से। ₹1,460 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, ₹1,410 आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, फटाफट एक बार रिकैप और देख लेते हैं। कैश में रामकृष्ण फोर्जिंग में आपको खरीदारी करना है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने 21 लाख शेयर खरीदे हैं 178 के भाव पे, उसके चलते आज एक फॉलोअप तेजी इस काउंटर में हो सकती है। फ्यूचर्स में कैनफिन होम्स में बिकवाली कीजिएगा। ऑप्शंस इन्फोसिस का 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, यहाँ पर तेजी हो सकती है। टेक्निकली KPIT टेक अच्छा लगता है, IT काउंटर्स जो उनमें वैसे भी खरीदारी हो रही है, इसमें आज तेजी बन सकती है। फंडामेंटली JSW स्टील, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेटल काउंटर्स में आज तेजी हो सकती है, निवेश करके चलना है। दिव्यानी इंटरनेशनल में अगले 3 से 4 महीनों में 225 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। खबरें मदरसन सुमी वायरिंग में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एस्ट्रल लिमिटेड में आपको करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक है मदरसन सुमी वायरिंग, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 89 के लेवल के लिए। जैसे इसके लिए खबर आई है कि 30 सितंबर को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे बोनस शेयर जारी करने पे कंपनी विचार करेगी, तो इसके चलते यहाँ तेजी हो सकती है, खरीदारी करके चलिएगा। चलिए, कैश पे से सफारी इंडस्ट्रीज खरीद कर चलिए, पॉजिटिव म्यूचुअल फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में टोरेंट फार्मा है, यहाँ पर जो अधिग्रहण की खबर आई है वो इनके लिए पॉजिटिव साबित रह सकती है। IOC इसके पुट ऑप्शन में आपको खरीद कर चलना है, सिटी ने डाउनग्रेड किया है। टेक्नोपिक के आधार पर सीमेंस पसंद आ रहा है, और साथ ही PVR अगले 3 महीनों के लिए ₹1900 के लक्ष्य भी दिखा सकते हैं। एशियन पेंट्स अगले 6 महीनों में 4000 का टारगेट बनाकर चलना है। खबरों के दम पर BHEL आपको फोकस में रखना है, और माई चॉइस कैटेगरी में ब्लू डार्ट में तो खरीदारी करिए, पर HDFC बैंक में बिकवाली कर सफायर फूड्स में खरीदारी कर चल सकते हैं। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है एशियन पेंट्स पर, त्योहारी मांग है, आगे चलकर कच्चा तेल भी नियंत्रण में आ चुका है, डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिविटी बन सकती है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 190 पॉइंट के आसपास की दमदार गिरावट जो है वो देखने मिल रही है।